हेलो फ्रेंड्स, तो अगेन आप सभी का वेलकम है टेक्निकल क्रोधर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एंजल वन में किस तरीके से आप इंट्राडे में शेयर बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आप किस तरीके से डिलीवरी में शेयर को बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप सभी को लाइव डेमो करके देने वाला हूँ। ये दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बता दूँ कि पार्ट टू होने वाला है एंजल वन का। पार्ट वन हमने ऑलरेडी बना रखा है एंजल वन का, बेसिक फीचर्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, फंड कैसे ऐड करना है और भी जो कंप्लीट जानकारियां होती है मैं पहले ही दे चुका हूं फर्स्ट वाले वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर बेसिक जानकारियाँ आपको है पहले से तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाएंगे, कैसे आपको बाय करना है स्टॉक को इंट्राडे में, कैसे सेल करना है, उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ डिलीवरी में स्टॉक को कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कंप्लीट जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा एंजल वन एप्लीकेशन। इसमें अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आसानी से दोस्तों इस ब्रोकर के साथ में जा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में आप सभी को पूरा फुल एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, बेसिक फीचर्स के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप डिलीवरी सेगमेंट में बाय सेल कैसे कर सकते हैं और साथ ही आप इंट्राडे में भी बाय सेल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं ये प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करना, जो कि मैं ऑलरेडी आप सभी को बताया था। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट से एंजल वन वॉलेट में जो है पैसे आपको ऐड करने हैं। तो ऐड फंड पे जाना है, जितना का आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उतना अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मैं अभी फिलहाल 1000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप 50 रुपये 60 रुपये जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, पेटीएम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं फंड को ऐड कर लेता हूँ। तो फंड हमारा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है। थोड़ा सा भी हम यहाँ पे वेट करते हैं और देख सकते हैं ये 1000 रुपये ऐड हो चुका है। इधर दोस्तों आप सभी को होम में जाना है और सबसे पहले आपको ये करना है कि कौन से स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस स्टॉक को पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप सभी को बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे शेयर मार्केट कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे आप स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं, इंट्राडे स्टॉक को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक दिन पहले अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही, जैसे आज बाय करना शेयर, तो एक दिन पहले आपको रिसर्च कर लेना है कि किस स्टॉक में आप इंट्राडे करेंगे। ठीक है, और या फिर दोस्तों सुबह मार्केट ओपन होने से 2-3 घंटा पहले, 1 घंटा पहले आपको ये स्टॉक पता होना चाहिए कि आप टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सब चीज़ आपको पता करके रखना है, तभी दोस्तों आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बिगनर लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें मन करता है मार्केट में आते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं, जो भी शेयर लगता है बाय कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों उस तरह से आपको नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, चार्ट आपको अच्छे से देखना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों मैं एक स्टॉक को फाइंड किया हूँ, अभी तो मैं जस्ट उसमें आपको इंट्राडे करके दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों डिलीवरी में आप कैसे स्टॉक को बाय कर सकते हैं वो मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे दोस्तों देखते हैं मोस्ट बॉट जो दिखा रहा है अभी, ये जो शेयर है वो ज़्यादा बाय किया जा रहा है अभी एंजल वन में, वो यहाँ पर आप सभी को दिखा रहा है। ठीक है, यस बैंक हो गया और यहाँ पर आपका IRFC हो गया और यहाँ पे दोस्तों ये वाला भी स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं दोस्तों छोटा सा ही स्टॉक में आप सभी को बाय करके दिखाता हूँ यस बैंक में। अभी ये थोड़ा सा गिरावट पे है तो मैं यहाँ पे अभी बाय कर सकता हूँ। तो जस्ट दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, या फिर दोस्तों कोई स्टॉक आपके दिमाग में है तो आपको क्या करना है, यहाँ वॉच लिस्ट में क्लिक कर देना है नीचे में, ये रहा, और यहाँ पे ऊपर में आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको जो है स्टॉक दिख जाएगा। जस्ट इसके ऊपर एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो यस बैंक के स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे 23 रुपये आपको दिख रहा है। ओपनिंग हुआ था आज कितना पे देख सकते हैं, 23 रुपये 55 पैसे पे। हाई आज कितना का लगाया है, 23 रुपये 75। लो दोस्तों 23 रुपये 20 पैसा। और यहाँ पर प्रीवियस क्लोज जो है वो 23 रुपये 55 पैसा पे प्रीवियस क्लोज था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इतने सारे क्वांटिटी इतने प्राइस पे लोग बाय करना चाहते हैं। ठीक है, इतना क्वांटिटी 23 रुपये 15 पैसे पे लोग बाय करना चाह रहे हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये टोटल क्वांटिटी, इतने लोग जो हैं बाय करना चाह रहे हैं। ये रहा बाइंग के और ये रहा दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतने प्राइस पर यहाँ पर देख सकते हैं इतना क्वान्टिटी में लोग जो हैं सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जब कोई सेल करेगा तभी यहाँ पे आपका बाय होगा। अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं एंजल वन का तो यहाँ से आप क्लिक करके चार्ट भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आप वेट करेंगे और ये रहा चार्ट अभी लोड हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है एंजल वन का चार्ट आपको दिख रहा है। नीचे में दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर जो है
इसमें ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हैं, अपने हिसाब से चार्ट भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बाकी एफएक्स पे जाएंगे तो इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इंडिकेटर लगा सकते हैं, ये आपका वॉल्यूम वगैरह दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट के बेसिस पे अभी देखते हैं मार्केट जो है गिरा हुआ है, 23.20 रुपये पे आ चुका है, तभी मैं यहाँ पे दोस्तों बिना देर किए बाय करता हूँ। जस्ट यहाँ पे देखते हैं नीचे में बाय वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और कोई भी स्टॉक को बाय करना अगर चाहते हैं आप डिलीवरी सेगमेंट में, उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी को रिसर्च करना पड़ता है। उसका दोस्तों जो मेन चीज़ होता है, जैसे कि उसका फाइनेंशियल आपको चेक करना पड़ेगा, बैलेंस शीट थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर कंपनी का कितना नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, उस पर डेप्थ कितना है, उस पर दोस्तों कोई कर्ज है या नहीं, ये चीज़ भी देखना है, कैश फ्लो आपको देखना पड़ेगा। ये दोस्तों कंप्लीट जानकारी मैं एक ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कोई भी डिलीवरी में स्टॉक को कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, वो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। अब दोस्तों कितना क्वांटिटी में आप शेयर को बाय करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे दोस्तों जस्ट इसका 50 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ। तो 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए हमें कितना फंड की ज़रूरत होगा, यहाँ पे देख सकते हैं उतना स्टॉक जो है बाय नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे जस्ट 20 क्वांटिटी बाय करता हूँ, तो 400 कुछ रुपये लग रहा है, तो मैं करीब यहाँ पे 25 क्वांटिटी कर लेता हूँ, तो 580 रुपये 25 क्वांटिटी का लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को। अब जस्ट दोस्तों आपको ऊपर में डिलीवरी रहने देना है, NSE BSE, दोस्तों आप सभी को पता है हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE, NSE मतलब दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी है, यहाँ पे इंट्राडे है, और यहाँ पे पे लेटर है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो 5 times आपको लेवरेज मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे इतना में 580 में इतना शेयर बाय हो रहा है, लेकिन इतना ही में दोस्तों आपका यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा शेयर बाय हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे लॉस भी होता है। अब दोस्तों लिमिट और यहाँ मार्केट, अगर आप लिमिट में करके स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहेंगे तो अभी चल रहा है कितना 23.20, तो ये 23.20 दोस्तों जो चल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 23.15 का, तो जब ये स्टॉक जो है इसका करेंट प्राइस वो 23.15 पे चला जाएगा प्राइस, तभी मेरा स्टॉक बाय होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्केट कर देते हैं तो जितने में सेलर अवेलेबल होंगे उतना में ही बाय हो जाएगा, अगर आप मार्केट को सेलेक्ट करते हैं तो। यहाँ पे हम लिमिट कर देते हैं और जस्ट यहाँ पे 23.20 पे बाय करना चाहते हैं हम, ठीक है, मार्केट अभी हम नहीं करते हैं। नीचे में दोस्तों आप चाहें तो इसका स्मार्ट स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, GTT इसका क्रिएट कर सकते हैं। तो GTT ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, क्या है, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो जस्ट मैं एक GTT ऑर्डर यहां पे लगा दूंगा, ठीक है। तो टारगेट प्राइस लिमिट प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, तो अभी जस्ट इसको हम थोड़ा सा क्लोज ही कर देते हैं दोस्तों, GTT नहीं लगाता हूं, ठीक है। जस्ट अब हम बाय वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कंफर्म बाय पे क्लिक कर देना है। अब ये देख सकते हैं स्टॉक जो है ऑर्डर पेंडिंग में चला गया, अभी जो है ये बाय नहीं हुआ है, देख सकते हैं 23.25 पे अभी चल रहा है, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। जब ये बाय हो जाएगा सक्सेसफुली, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ग्रीन टिक मिल जाएगा, ये जो है ग्रीन टिक दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब कि सक्सेसफुली यहाँ पोजीशन में चला जाएगा, अभी यहाँ पे ओपन ऑर्डर में है, जब बाय हो जाएगा तो पोजीशन में चला जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंट्राडे में आप शेयर को कैसे बाय कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे HDFC का जो स्टॉक है उसको एक मैं ले लेता हूँ, अभी मेरे नज़र में है क्योंकि मैं यहाँ पे लैपटॉप में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और बाय वाला ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों यहाँ पे लिवरेज दिखा रहा है, 5x यहाँ पे दिखा रहा है, तो जस्ट दोस्तों देख सकते हैं 1439 रुपये पे 5 स्टॉक आप यहाँ पे बाय कर पाएंगे इंट्राडे में। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ दोस्तों कितना यहाँ पे बाय होता है, जैसे कि 3 स्टॉक यहाँ पे मैं बाय कर पाता हूँ या नहीं, तो 3 स्टॉक के लिए दोस्तों यहाँ पे 863 रुपये लग रहा है, तो मैं 2 स्टॉक बाय करता हूँ, तो 575 रुपये यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फंड को ऐड करना है, तो ऐड फंड करके मैं यहाँ पे दोस्तों 200 रुपये मैं और ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 2 ही स्टॉक में अभी करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो फंड हमारा दोस्तों यहाँ पे ऐड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का प्राइस देखते 1439 रुपये दिखा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पे इंट्राडे कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे 575 रुपये में ही 2 स्टॉक हमारा जो है यहाँ पे इंट्राडे में बाय हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, जिस हिसाब से दोस्तों आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली बाय करते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक जो है ऊपर चला गया थोड़ा सा जब मैं यहाँ पे देखा था उससे पहले, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे रिसर्च करके रखा था, तो काफ़ी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो मैं फिर भी आप सभी को जस्ट दिखाने के लिए बाय करता हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिमिट लगा दिया, 1439 पॉइंट यहाँ पे कितना है 85, इतना पे जो है हमारा स्टॉक जो है ट्रिगर हो जाएगा, बाय हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हम दोस्तों क्या करते हैं, बाय वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, कंफर्म कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, पोजीशन में ये जो है दिखना शुरू हो जाएगा। पोजीशन में दोस्तों देख सकते हैं हमें यहाँ पे 30 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है, बाकी का दोस्तों यस बैंक में हमने जो बाय किया था डिलीवरी में वो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस पे चल रहा है।
तो फ्रेंड्स हमने बाय किया था, देख सकते हैं मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट जोन पे अभी जाके ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अब जो है यहाँ से ऊपर जाने वाला है स्टॉक, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं चार्ट आप सभी को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों अभी जो है ये सपोर्ट जोन पे है, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं नीचे एड स्टॉप लॉस, यहाँ पे दोस्तों आप स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए अभी कितना चल रहा है प्राइस, 1433 रुपये चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 33 जो है ये 20 जाए, तब दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जिट होना पसंद करूँगा, ठीक है, मतलब कि मार्केट से निकलना पसंद करूँगा। जस्ट यहाँ पे आप डाल देंगे दोनों सेम ही नंबर, आप डाल के यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, यहाँ जस्ट सेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है, और बाकी का फ्रेंड्स आप स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केट तो अभी दोस्तों ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, में अभी कोई ज़्यादा खास स्ट्रेंथ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा वेट मैं नहीं कर सकता, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है, जस्ट मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। दोस्तों यस बैंक के जो शेयर हमने बाय किया, ठीक है, डिलीवरी सेगमेंट में, ये आपका पोर्टफोलियो में नेक्स्ट डे जो है वो ऐड हो जाएगा, पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो यहीं पे आपको क्लिक करना है, और ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक जो है नीचे दिख जाएंगे, सेल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों सेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टिपिन जनरेट करना पड़ेगा, वो दोस्तों काफ़ी ईजी टिपिन जनरेट करना मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, उसके बाद ही आप डिलीवरी वाले स्टॉक को सेल कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो साथ, थैंक फॉर वॉचिंग।